नगर परिषद बनने 5 साल बीत गए, लेकिन डीपी प्लान नहीं बन पाया। 94 लाख रुपए खर्च कर प्लान का जिम्मा विधायक समीर मेघे की ADCC कंपनी को दिया गया। 1 साल से प्लान का काम चल रहा है, लेकिन अब तक पूरा नहीं होने से अब प्लान पर ऑब्जर्वेशन लेने की तारीख 25 अप्रैल से 30 अप्रैल को नगर परिषद हॉल में रखी गई, जिसकी जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि वाड़ी ग्राम पंचायत अब नगर परिषद में तब्दील हुए 8 साल हो चुके हैं, लेकिन विकास वाड़ी तक नहीं पहुँचा है। ग्राम पंचायत से नगर परिषद में परिवर्तन के बाद डीपी नियोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शहर में विकास कार्यों में तेजी लाने और शहर का नक्शा बदलने के लिए डीपी प्लान योजना तैयार करना अनिवार्य है। सबसे पहले डीपी योजना का विषय 19 सितंबर 2016 को वाड़ी नगर परिषद के हॉल में स्थायी समिति की बैठक में लिया गया था। बैठक में डीपी प्लान ड्राफ्ट मैप और फाइनल मैप के अनुमोदन के लिए वाड़ी NP हॉल में एक प्रस्ताव रखा गया था। दूसरी बैठक 27 अगस्त 2018 को वाड़ी नगर परिषद हॉल में ली गई। 1 साल में डीपी प्लान पूरा करने का समय था, लेकिन नहीं हो सका। पूर्व नगर सेवक श्याम मंडपे ने डीपी प्लान पर आपत्ति जताते हुए दस्तावेजों की मांग की थी। पश्चात वाड़ी नगर परिषद के हॉल में स्थायी समिति का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया और डीपी प्लान योजना का विषय ठप हो गया। 3 मार्च 2022 को वाड़ी नगर परिषद मुख्य अधिकारी डॉक्टर विजय देशमुख ने बयान तैयार किया कि डीपी योजना को लेकर 25 अप्रैल को सुनवाई बैठक का आयोजन किया गया है। वाड़ी नगर परिषद की स्थायी समिति नहीं होने से डीपी योजना की समस्या का समाधान कैसे होगा, यही सवाल श्याम मंडपे ने किया। वाड़ी के विकास को देखते हुए पार्षद इस बात से पूरी तरह वाकिफ है। नगर सेवकों को इस बात की भी गहराई से जानकारी है कि कौन सा फुटपाथ लेना है और कौन से घर और गोदाम अवैध है। जनप्रतिनिधियों को यह भी पता होता है कि बगीचे के लिए कहां जगह दी जाए। स्थायी समिति के अभाव में डीपी योजना का नक्शा स्वीकृत होने पर प्रशासनिक अधिकारियों को गांव का पता ही नहीं चलता, लेकिन चुनाव के बाद अगर डीपी के नक्शे के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो स्थायी समिति, पार्षद और जनप्रतिनिधि इससे अच्छी तरह वाकिफ होंगे। प्रशासनिक निर्णय के अनुसार यदि डीपी योजना का नक्शा स्वीकृत हो जाता है तो कई लोगों के घर गलत डीपी योजना के कारण नष्ट हो जाएंगे, गोदामों को बचाया जाएगा और सज्जनों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। कई बिल्डर अनधिकृत लेआउट को मंजूरी देकर आपके आरक्षण स्थान को खाली करने का प्रयास करेंगे, इसलिए बड़े भ्रष्टाचार की संभावना है। गोदाम को डीपी रोड नहीं मिलेगी, ट्रांसपोर्ट हब के लिए जगह की योजना नहीं होगी, विकास के कई मुद्दे रुकेंगे, बाजार, मछली बाजार, सरकारी अस्पताल, स्कूल जैसे विकास कार्य नहीं होंगे, मकान निर्माण की अनुमति होगी, अवैध अतिक्रमण हटेंगे और आधिकारिक लेआउट RL बागवानी बाजार, दुकान केंद्र, फूल सप्ताह बाजार, मोम बाजार, सेवा उद्योग, सरकारी अस्पताल और NGO अस्पताल के लिए जगह होगी, महिलाओं के लिए प्रसूति घर, सरकारी कार्यालय, फूल रंगमंच, बच्चों के लिए पता चला है कि व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, गार्डन ग्राउंड, मटन मार्केट, स्कूल परिसर सभी को 20 साल की योजना के भीतर विकसित किया जाएगा। शासन के नियमानुसार 6 प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें नगर परिषद के 3 अधिकारी और 3 स्थायी समिति के सदस्य होते हैं। यदि 3 निर्णय लेने वाली समिति के अधिकारी हों तो 3 सदस्य कानून और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेंगे। स्थिति के अनुसार निर्णय लेने में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 3 सदस्यों पर निर्णय लेने से पहले चुनाव होना चाहिए। यदि कोई चुनाव होता है तो यह महत्वपूर्ण है कि 3 सदस्य निर्णय लेने में सक्षम हो। इसी के तहत पूर्व पार्षद श्याम मंडपे और स्थानीय लोगों ने मांग की है कि डीपी योजना में अगली भूमिका ली जाए। वाड़ी से NBCN न्यूज़ के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।